YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर सिटी न्यूज की टीम आज पहुंची वार्ड नंबर 7, जिसका वर्तमान वार्ड पार्षद हैं कमर यास्मी। सिटी न्यूज की टीम वार्ड के विभिन्न टोलों में भ्रमण कर वार्ड वासियों की राय ली। सिटी न्यूज ने वार्ड वासियों से जानना चाहा कि कैसा रहा वार्ड पार्षद कमर यास्मीन का 5 वर्षों का कार्यकाल। तो वार्ड के अधिकतर लोगों ने वार्ड पार्षद के क्रियाकलापों के कार्यों की सराहना की। आइए सुनते हैं वार्ड वासियों की जुबानी वार्ड पार्षद के क्रियाकलापों की कहानी। नमस्कार दोस्तों, हम अभी पहुंचे हैं कुंड मोहल्ला यानी वार्ड नंबर 7 में। आइए यहाँ के जनता से बात करते हैं कि 5 साल के कार्य क्षेत्र में अभी तक इस वार्ड में क्या क्या विकास हुआ है। बताइए अभी तक इस वार्ड में क्या क्या विकास तो लगभग सभी हुआ है जो जितना सबने किया है। और वार्ड कमीशनर हमारी बहुत अच्छी है, जो भी समस्या हो तुरंत होता है वार्ड में। मतलब जो भी समस्या आती है तुरंत मतलब समाधान किया जाता है। समाधान और जैसे कि नली वली साफ हो, रोड रोड सब सब। और जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना या शौचालय का सुविधा ये सब का लाभ मिला है। दर्शकों, हम आइए और जनता से बात करते हैं कि वार्ड नंबर 7 में क्या क्या और परेशानी है। जी बताइए अभी तक क्या क्या परेशानी। कुछ परेशानी नहीं है बाबू, पानी नहीं था, पानी मिल गया हम लोग के। और कुछ परेशानी होता है, कॉलोनी जितना हुआ हम लोग के सबको मिला, हर चीज़ मिल रहा है हम लोग के, कोई परेशानी नहीं। आपका वार्ड कमिश्नर का नाम क्या है? कमर आसमी। क्या वो हर मतलब आपकी रोड नाली गाली सबका सफाई होती है? हाँ, सबके सफाई। आप अपने वार्ड कमिश्नर से खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं हम। जैसे कि दादी, नगर निगम का चुनाव बहुत नज़दीक आ गया, तो क्या इस बार नगर निगम चुनाव में आप नया चेहरा देखना चाहते हैं या फिर से उन्हीं को लाना चाहते हैं? हम लोग तो चाहेंगे कि अब हमारा घर के परिवार ऐसा हो गया है, हम लोग को जो तकलीफ होता है हम लोग घर में सीधे चल जाते हैं और इससे हम लोग काम करवा लेते हैं। और नया चेहरा आएगा तो नया चेहरा के पास हम लोग के दौड़ना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अच्छा, इस चलते मतलब फिर से पुराना ही चेहरा? हम लोग सोच रहे हैं कि फिर यही जीत जाए तो अच्छे हैं। हमारी वार्ड में अभी तक जब से इन्होंने रहा हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, न पानी का, न गली का, न सफाई का। हाँ, और कोई बात वार्ड कमिश्नर के थ्रू अगर कहीं नगर पालिका से, ब्लॉक से या कहीं किसी चीज़ का कागजात आना रहता है तो स्वयं अपने आके हम लोग को खबर करते हैं। इनमें कोई त्रुटि नहीं है और इनमें यही है कि एक मिजाज सबको बराबर हो। तो क्या इस बार भी चुनाव में आप इन्हीं को लाना चाहते हैं? एकदम, इसके सिवा कोई है ही नहीं। अभी तक आपके वार्ड में क्या क्या, 5 साल के कार्य क्षेत्र में कितना विकास हुआ? भाई हम लोग का तो कॉलोनी पास हुआ पहला 1 नंबर में, दूसरा में लल्ली उल्ली सब साफ सुथरा हो रहा, पानी का इंतजाम हो है। हम कैसे कहें कम नहीं देवे में बहुत, और पूरा मोहल्ला सपोर्ट देगा कमर आसमी। पूरा मोहल्ला, आपके पूरे मोहल्ला कमर आसमी को सपोर्ट करते हैं? हाँ पूरा। अच्छा, कोई अभी कोई परेशानी वार्ड नंबर 7 में अभी कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। आपका नाम क्या है? तो आइए हम और आगे जनता से बात करते हैं कि इस वार्ड में और भी परेशानी है यार, बताइए अभी तक क्या इस वार्ड में? देखिए, काम तो हमारे वार्ड में बहुत अच्छा काम हो रहा है, कुछ प्रोग्राम हल्का फुल्का तो हर वार्ड में रहता है, इसलिए भाई कितना आदमी दबाव डालेगा या कितना कुछ होगा। हल्का फुल्का वही पानी उनी का हम लोग का जो वार्ड में है ये थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन आने वाला समय मेरा प्रत्याशी अगर आगे निकलता है तो ये तो जरूर हमारा भी उम्मीद है। और बहुत अच्छा ये नगर में ये आपका जो वार्ड में है बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या आपने वार्ड कमिश्नर से खुश हैं? हम बहुत बहुत खुश हैं। अब वो आने वाला नेक्स्ट में भी हम चाहते हैं कि मेरा वार्ड कमिश्नर वैसे है जैसे मेरा वार्ड कमिश्नर पहले था। इस कार्य क्षेत्र में आपके वार्ड कमिश्नर ने क्या क्या काम किया? बहुत काम किए हैं, कॉलोनी का मकान बना दिए, चापानल लगवा दिए, सब चीज़ करिए रहे बेचारा, जो भी होता है सब काम अच्छा कर रहे हैं वो भी। अच्छा, अभी तक तो अच्छा किए ना। अच्छा, जैसे कि रोड नली गली सब साफ होता है? सब सब साफ, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने वार्ड कमिश्नर से खुश हैं? हाँ बाबू, हम तो खुश हैं। जैसे कि बता दें कि
चुनाव नजदीक आ गया है, चुनाव में हर प्रत्याशी आते हैं, तो आप इस बार नया प्रत्याशी देखना चाहते नहीं, हैं? नहीं नहीं, हम लोग के लिए यही ठीक। हाँ। अभी तक आपके वार्ड में क्या क्या विकास हुआ है? हमारे वार्ड में रोड बना है, नाली बना है और बहुत सा काम हुआ है जो हमारे वार्ड पार्षद हैं, और उनके रहते हुए भी बहुत और कुछ आगे बना है। और इसमें जो समस्या था, कितना का कार्ड नहीं बन रहा है, नहीं उसका बन रहा है, उसमें सबको कार्ड भी बनवाएं, सफ़ेद कार्ड बनवाएं, लाल कार्ड बनवाएं, इनके कार्य से हम लोग बहुत खुशी हैं। हमारे वार्ड में वार्ड कमिश्नर अच्छा काम किए हैं, लेकिन इन्होंने भी प्रयास किया कि जो डायरेक्ट नली में लोगों का लेटरिन गिरता है, इनके प्रयास से भी आज तक समाप्त नहीं हो सका। मतलब ये अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग आज तक उस चीज़ को नहीं माने, और उसके चलते मैंने इतना गंदगी है कभी भी मैंने हैजा कलरा फैल सकता है। तो इसका दोषवार कौन है, इसका दोषी कौन है? प्रशासन। मतलब जैसे कि बता दे, और इसमें क्या क्या अभी तक क्या क्या परेशानी है इस बारे में? अभी परेशानी है सिर्फ एक लेटरिन का जो डायरेक्ट नली में है, सबसे बड़ा परेशानी। अच्छा, समझे ना। और उसके अलावे करीब करीब सब ठीक है। पानी पाइपलाइन का जो है आता नहीं है, स्टैंड पोस्ट से लोग पानी लेते हैं, इसी से चल रहा है। पानी का भी समस्या है? तो एकदम समस्या है। इसका कहीं कंप्लेन किए आप? हाँ, किए, डीसी के यहाँ किए हैं, म्यूनसिपैलिटी में किए हैं। अच्छा, आपका कल भी दे करके आए हैं, परसों भी दे करके आए हैं, दो साल पहले भी दिए हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं इस संबंध में जब हमने वार्ड पार्षद कमर यास्मीन से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि विगत 5 वर्षों के दौरान वार्ड वासियों से जो उन्होंने चुनाव के दौरान आश्वासन दिया था उसे वे पूरा की है और उनके विश्वास पर वे खरा उतरी है। नमस्कार, खास मुलाकात कार्यक्रम में तमाम दर्शकों का स्वागत है। आपको बता दें दर्शकों कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे तमाम प्रत्याशी जनता को अपने ओर रिझाने में जुटे हुए हैं। तमाम लोग अपने आप को जनता का सेवक बतला रहे हैं, चाहे वो सेवक हो अथवा ना हो। और जनता भी काफी चतुर है, यानी आप भी काफी चतुर हैं, सोच समझ कर ही वोट देंगे। इसी सिलसिले में आज हमारे वार्ड में खासकर आज हमारा जो टीम है, यानी सिटी न्यूज की जो टीम है, वो वार्ड नंबर 7 का सर्वेक्षण की है। 7 नंबर वार्ड यानी पुराना वार्ड जो अब 27 नंबर में तब्दील हो चुका है। और इस वार्ड पार्षद की वर्तमान जो है अभी समय बचा हुआ है, वार्ड पार्षद है कमर यास्मीन। और चूंकि चुनाव नजदीक है तो अब चुनाव के मैदान में भी है और चुनाव में अपनी जो है लगातार ये जनसंपर्क अभियान कर भी रही है। इनके वार्ड की बहुत बड़ी समस्या है कि जरूरतमंदों को आवास नहीं मिला। उनका आरोप है वार्ड पार्षद पर कि सबसे पहले तो आपका सिटी न्यूज में स्वागत है कमर जी। सबसे बड़े कमर यास्मीन जी, आपके जो जनता ने आप पर आरोप लगाया है, सबसे पहले मैं सिटी न्यूज के माध्यम से पूरे शहरवासियों को, अपने वार्डवासियों को नमस्कार करती हूँ। और आपका सिटी न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम का हम लोग को भागीदारी बनाए और बुला करके जनता से रूबरू कराए। इसके लिए मैं सिटी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आप पर आरोप है सीधा सीधा, क्योंकि आप अब नगर निगम होने जा रहा है, नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, वर्तमान में अभी आप वार्ड पार्षद हैं। जनता का सीधा सीधा आरोप है कि आपने जरूरतमंदों को आवास नहीं दिया। जनता जो भी आपसे मिलने के लिए अपेक्षा की, कभी कुछ अपनी मामलों को लेकर उसको नजरअंदाज करते रहे। नली गली की सफाई समय समय पर बहुत जैसे एक सुचारू ढंग से नहीं हुआ। सफाई हुई है लेकिन सुचारू ढंग से जैसे जो होनी चाहिए, आप कहीं कहीं अपने ही क्षेत्र में ही सिमट कर रह गए, दूर दराज वाले क्षेत्र लोगों को नहीं देखे। साथ ही साथ आरोप है कि जो सुविधा नगर निगम के या नगर पालिका के द्वारा मिलनी चाहिए, वो सुविधाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंचा। क्या आप कहेंगे? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश हर काम में की है। सबसे पहले लाभ की बात आती है तो मैं गढ़वा रोड करी नाम से लेकर श्मशान घाट तक स्ट्रीट लाइट पोल के साथ है, और जो भी पोल खाली है सारे पोल में
मैंने स्ट्रीट लाइट लगाया है और हर वार्ड में हर एक पोल पे है। दूसरी बात कि रोड भी ऐसा नहीं है कि कहीं बचा हुआ बनाने के लिए, मैंने हर रोड को कवर किया है जो वार्ड नंबर 7 में आ रहा है। नाली नाली में पैसा कम आता है, पहले मैंने उन नालियों को बनाया है जो 100 साल से नहीं है नाली बना हुआ था, अपेक्षित था, उसको कोई देखने वाला नहीं था। वो शायद रोड पे नहीं है, घर के बीचों बीच दिखाई नहीं देगा, पर हमने वो सब काम अपनी कोशिश से बहुत अच्छा जानते भर में किया है। आवास की जहाँ तक बात है, हमने पूरी पूरी कोशिश की है कि लोगों को आवास, और लगभग लगभग में वार्ड नंबर 7 में सभी का आवास मिल चुका है। कुछ लोग नए एरिया से जो जुड़ रहे हैं, अब उस उनमें से अगर कुछ लोग बोलते हैं तो अब नहीं, आप यहाँ पर नए एरिया से जुटने वालों पर नहीं बात कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो वर्तमान में आपके साथ हैं और वर्तमान में उन लोगों को नहीं मिला इसका लाभ। नहीं, वर्तमान में लगभग लोगों को अभी 12 लोगों को और मिलने वाला है, वर्क ऑर्डर बन गया है, बस उन लोगों को मिलने वाला है। बाकी लोग खुद से नहीं लिए हैं, बोले कि नहीं हम अभी नहीं बना पाएंगे, और मैंने जितने लोगों का कोशिश अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। क्या मन में टीस रह गया जो नहीं हुआ? मन में टीस सबसे बड़ा रहा है अभी पानी का, जो हम सबों को नहीं दे पाए हैं। हम तो ऐसे सबके लोग 5 साल कार्यकाल पर, मैंने 10 साल वार्ड पार्षद पिछले बार भी थी, इस बार भी है। और पानी का जहाँ तक रहा बात, तो हमने अपनी तरह से अपनी कोशिश से लोगों को जहाँ तक बन पड़ा स्टेट कोस्ट दिया है, और अब में हम लोग कोशिश यही रही थी कि सबके घर तक पानी पहुँचे, पर कुछ सरकारी कामों की वजह से पानी में थोड़ा देरी हो, पानी में देरी हुई है, मन में टीस रह गई है। इन पर जो सबसे बड़ी आरोप है वो ये है कि आवास निर्माण में अवैध उगाही का, इसका क्या जवाब देंगे? इसका जवाब देखिए, ये तो अभी बदनाम करने की पूरी पूरी कोशिश है। अब मेरे विरोधी देखिए, ऐसा नहीं होता है कमर यादव जी, कुछ कोई गलती करता है तो उसको भले थोड़ा सा बढ़ा कर किया जाता, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं होगी कि कोई आरोप। देखिए, जो काम करेगा तो बदनाम तो होगा ही होगा, बिल्कुल हम भी मानते हैं। तो इस बात को तो मान नहीं होगा, जो काम करेगा बदनाम होगा ही। तो हम लोग काम पे ध्यान दिए हैं और काम किए हैं, तो अब जितने मेरे अगेंस्ट हैं, जो ऐसा थोड़ी ना कि सब मेरी तरफ से, मेरे अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो तो हम पे इल्जाम लगाएंगे ही। नहीं तो आप ही बता दीजिए ना कि उगाही हुई है कि नहीं। भ्रष्टाचार का तो पहले से भी पोल खुला है नगर पालिका में कि आवास निर्माण में खूब लूट मची है, तो ऐसे में आपके वार्ड में नहीं बचा है। ऐसे नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने किसी पे प्रूफ देखा ही नहीं, तो ऐसे कैसे बोल सकती। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, चुनाव का वक्त है ना, लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन ऐसे में पूरी तरह से नगर पालिका में भ्रष्टाचार का ये काफी चर्चा का विषय बना रहा है कि आवास योजना में काफी लूट मची है। ऐसे में कोई भी वार्ड पार्षद इससे बचे हुए अछूते नहीं है, हो सकता है कोई लिए भी हो न भी लिए हो, लेकिन ये आरोप तो सब पर लगेगा क्योंकि आप भी उस वार्ड का उसी नगर पालिका के एक अंग है। ऐसे में आप ये बताइए कि आप इस बार नया क्षेत्र होगा, आप जरूर जा रही होंगी सब लोगों को इस बार फिर से, तो क्या आप आश्वासन इस बार दे रही हैं लोगों को? 10 साल आप रह चुके, तब 15वां साल के यानी 11वां साल में प्रवेश करेंगे, तो क्या आश्वासन दे रही हैं? मैं आश्वासन जिस तरह से काम करते आई है, जो और आगे काम आने वाला है शहर में योजना, उसका पूरा लाभ दिलाने के लिए सबको आश्वासन दे रही हूँ। ऐसे भी मैं सारी योजनाएं लगभग अपने जनता को पहुंचाती हूँ, क्योंकि 10 सालों में अब मेरी जनता नहीं, मेरा परिवार हो गया। वहाँ के गार्जियन सब अपने लगते हैं, सब भाई बहन लगते हैं, अब वो मेरे लिए पराया नहीं लगता है, और लगता है कि कोई ऐसा काम ना छूट जाए जिससे मेरे परिवार को कुछ तकलीफ पहुँचे। तो मेरी अब जनता नहीं, वो मेरा परिवार है। उन लोगों ने 10 साल तक मुझे बहुत सम्मान दिया है, बहुत इज्जत दी है, हर छोटा से बड़ा फंक्शन में बुलाया है, एक बेटी की तरह, एक बहू की तरह कर्तव्य निभाया है, इसलिए जितने हाथ तो बेटी बहू बन के आप वोट खाली लेंगे कि और भी उनके लिए बेटी बहू बन के नहीं, मैं घर के सेवा भी करेंगे, बिल्कुल सेवा करूंगी और करती हूँ, इसलिए कि एक मेरे लिए चुनाव और एक पार्षद बनना, जैसे एक बहू नए घर में गई
तो अपने परिवार को अपनी तरफ कैसे खींचती है, तो अपने काम से खींचेगी, अपने स्वभाव से खींचेगी। इमोशनल भी तो आप ऐसा नहीं ना कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रही है जनता के साथ कि हम बहू हैं बेटी हैं, लेकिन बहू बेटी बनने के लिए चूंकि घर को भी सजाना पड़ता है, तो कितना सुंदर सजाए हैं आप अपने वाले। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है लोगों के दिलों तक पहुंचने का, उनके दर्द को जानने का। गरीब का दर्द जानना भी बहुत बड़ी बात होती है। योजना तो छोटी बड़ी सब लोग देते हैं, मगर कुछ लोग के दिल को छूने वाली बात बहुत कम करता है। और आज तक हमें उम्मीद है कि हमें जितना पब्लिक प्यार दिया है मेरी परिवार जैसा, शायद खुश नसीब कोई होगा जो उनको मिलेगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपना प्यार हम पे निछावर फिर करेंगे। देखिए इमोशनल ऐसा नहीं कि इमोशनल आप भी, आपको एक्चुअली ये बोल रहे हैं कि हम बहू भी हैं बेटी भी हैं और घर को सजाने आई हैं, 10 सालों से सजा रही हैं और आगे भी सजाने का यह दावा करती हैं कि आप चूंकि जो प्यार जो सम्मान इन्हें मिला है और जो आपने दिया है उसका ये फिर से एक तरह से इमोशनल भी आपको कह सकती हैं, लेकिन तरीका है चाहे जो भी जिस तरह का, चूंकि चुनाव है तो हर तरीके का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन अब देखना तो यह है कि आप इस अपने वार्ड को कितना सुंदर ढंग से सजाएं। नए वार्ड आप में जुड़े हैं कई लोग, ये मेरे लिए चुनौती है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने उस नए वार्ड को भी सजाएं इसी तरह जो कि मैंने पुराना वार्ड सजाया है। कैसे भरोसा करेंगे लोग कैसे भरोसा करेंगे लोगों को, तो हम यही कह रहे हैं कि आप मेरे पीछे, मुझसे नहीं पूछिए, जो हम पिछले लोगों पर काम किए उनसे जाकर मेरी जनता से पूछिए कि हम कैसा काम करते हैं। हम तो आपको अपने बारे में बताएंगे, मगर आप भी जानिए हमको। आज जमाना ये नहीं बिना जाने किसी को भी वोट दे दिए। आपका बहुत मत, एक एक मत बहुत कीमती है, ऐसे लोगों को देना उनके लिए बहुत जरूरी है जो आपके लिए हर वक्त आपके लिए खड़ा रहे। योजना का भी लाभ पूरा पूरा देने की कोशिश करें, आपकी भावनाओं को भी जाने, आपके दर्द को। सिर्फ योजना देना वार्ड पार्षद का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि आपके साथ आपके सुख दुख का हम सफर बनना भी वार्ड पार्षद, या आपने जिसे जनप्रतिनिधि अपना चुना है उसका एक ये भी एक दूसरा पहलू ये भी है कि आपके सुख दुख का वो हम सफर है, क्योंकि आपका एक एक वोट कीमती है, आपको सोच समझ के वोट देना है। ऐसे में आपकी चाहे चुनाव आता है तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते हैं, देखना आपको है दर्शकों की हम किसे वार्ड पार्षद चुनते हैं, किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, किसे अपना मसीहा चुनते हैं जो वार्ड का विकास कर सके। अगर इनके इन्होंने जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से अपने वार्ड को सजाया है, सुंदर ढंग से सजाया है, बहू बनकर बेटी बनकर काम किया है, ऐसे भी ये देखना जरूरी है कि ये क्या ये सही बोल रही है, ये देखना आपका काम है। और चूंकि नए वार्ड कई जुड़ रहे हैं नगर निगम बनने के बाद, कई लोग इसमें और भी कई दूर दूर से लोग जुड़ रहे हैं, अब उनको भरोसा करना किस तरह से आप भरोसा दिला रही हैं कि मतलब क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि पुराने जो मेरे वार्ड के मेंबर हैं उनसे पूछ लिया जाए, पूरा वार्ड के जो सदस्य हैं उनसे पूछ लिया जाए कि भाई कैसे आपने काम किया, लेकिन क्या उनके लिए जो जो दूध का जला मठा भी फूक फूक कर पीता है, क्या वो लगता है कि अगर कोई जो प्रत्याशी जो जनता है अगर उनके साथ एक बार धोखा हुआ है या सही वार्ड पार्षद खड़ा नहीं उतरे हैं तो ऐसे में वो दोबारा भरोसा करेंगे। मेरे लिए वो वार्ड ज्यादा नया नहीं है, उससे भी मैं परिचित हूँ, नया एरिया जो भी उसे भी परिचित हूँ, उसमें मेरा परिवार बहुत सारा है। और लोगों का ऐसा नहीं है कि मैंने इस वार्ड में रह करके उस वार्ड का काम ना किया हो, जितने लोग आए हैं जो भी बन पड़ा है मैंने उन लोगों के लिए किया है, आवाज भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दिल में ऊपर वाला यही तो भावना दिया कि किसी को ना नहीं कहना है, हर कोई का काम। चलिए नया वार्ड भी इनके लिए नया नहीं बल्कि वो भी पुराना ही है, क्योंकि सटा हुआ है इनका क्षेत्र है और उस वार्ड से भी जो जनता है उनको भी खाली हाथ नहीं भेजिए, यही दावा है इनका। और इनका दावा है कि जिस तरह से इनके साथ लोगों ने भरोसा 10 सालों तक जताया है, आगे आने वाले 5वां साल भी जताएंगे और एक बार पुनः ये फिर से वहाँ से विजयी होंगी, यही कहना है शायद आपको। कहना नहीं, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिस तरह से 10 सालों में लोगों ने प्यार दिया है तो इस तरह से हम महसूस करते हैं कि वो प्यार मिला है। जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है उसको कैसे निपटाएं? देखिए 100 में 10 आदमी तो ऐसा होगा ही ना कि आपको आरोप लगाएगा, उसमें 90 आदमी मेरे खिलाफ तो नहीं होगा ना, इतना तो भरोसा है।
लेकिन आरोप है तो उसको भी तो जाके आपको बिल्कुल, अगर ये आरोप लोगों के आप मेरे सामने जो भी आरोप आएगा तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग के चैनल के माध्यम से हम लोगों को लोग अपनी कमी को पता चलता कि हमें कौन सी कमी रह गई है, उस कमी को पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि हम अगला बार जीते या जो भी हमसे बन पड़े उन लोगों के लिए भी करें। तो क्या आप लोगों से क्या आप अपना संदेश देना चाहेंगे, वार्डवासियों से क्या अपील करेंगे? अपने वार्डवासियों से अपील हम यही करना चाहेंगे कि प्रत्याशी बहुत सारे लोग आएंगे, झूठ सच का अभी बहुत दौरा चला हुआ है, आपको अपने प्रत्याशी को पहचानने की ज़रूरत है और एक अच्छे प्रत्याशी चुनें, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, आपको जाने, आपके सुख दुख का ख्याल रखे, आपको कभी इज्जत देने से इनकार ना करें, आप अगर उसके घर पे जाते हो तो आपको इज्जत दे, सम्मान दे, इज्जत और सम्मान से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती है दुनिया में, काम तो हर कोई करेगा पर आपको सम्मान बहुत कम लोग होते हैं जो देते हैं, इसको ज़रूर देखें। चलिए जनता से अपील है कि आप सोच समझकर अपना ठोक ठेठा कर, सभा कहावत आपने सुनी है कि ठोक ठेठा कर वोट दें, मसीहा चुने तो एक ऐसे शख्स को चुने जो आपके सुख दुख के साथ ही साथ ही आपके हर बातों को जज्बा को समझे, आपको मान सम्मान दे, जैसा कि इन्होंने कहा कि मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है, वाकई सच सत्य है कि मान सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है, और इस तरह का ऐसे मसीहा को चुने जो आपके बात को एक नए तरह से डेकोरेट करे, सुंदर स्वच्छ और सुंदर बनाए, साथ ही साथ आपकी भावनाओं को भी कद्र करें, आपके सुख दुख के लिए आपकी जो जरूरतमंद जरूरत चीज है, जो नगर निगम से मिलने वाली जरूरत चीज है वो आप तक पहुंचाए, सरकार की सरकारी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचाए, गरीबों को अच्छा आवास मिले, लोगों को अच्छे जो वहाँ जो सीखे हुए हैं प्रशिक्षण प्राप्त हैं उनको भी हाथ में रोजगार मिले, और तमाम युवाओं को भटके हुए युवाओं को अच्छी दिशा की ओर ले जाए, ऐसे एक मसीहा की जरूरत है, और आप वोट देने तो अवश्य जाए दर्शकों, क्योंकि वोट देना आपका जो है परम कर्तव्य है, और हम आपको बता दें कि लगातार बने रहिए हमारे चैनल से, हम आपको कराएंगे हर वार्ड की समस्याओं से जनता की राय, और उन समस्याओं से कि उस पर कितना खरा उतरी है पिछले 5 वर्षों में वार्ड पार्षद। साथ ही एक सूचना है कि पूरे डाल्टनगंज शहर में सिर्फ और सिर्फ सिटी न्यूज का प्रसारण किया जा रहा है। दर्शकों आपसे निवेदन है कि आपकी अगर वार्ड में भी कोई समस्या हो, आप भी अपने वार्ड पार्षद पर अपनी बातों को रखना चाहते हैं, वार्ड पार्षद अगर आपकी बातों को नहीं सुन रहे हो, वार्ड में समस्याओं का अंबार है, तो आप सीधा सीधा हमसे संपर्क करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।